जय साथियों, जैसे ही बच्चे देख चुके हैं कि फिजिकल का डेट कब आ गया है और देख चुके हैं कि लगभग कब फिजिकल होगा, तो ये देख रहे हैं खूब पसीना बाहर है और लगभग 8 बजने को है और एकदम जोश में है ये सारे बच्चे। जैसे ही देख लिए हैं सीआरपीएफ के साइड पे, तो आप भी देख चुके होंगे, तो आप लोग भी वीडियो के माध्यम से वीडियो को फॉलो करके भी आप तैयारी कर सकते हो बीते 15 दिनों में। यदि आपसे नहीं हो पाती है तो आप हार नहीं मानो, आप हमारे वीडियो फॉलो करो और दूसरी की आप टीम ज्वाइन करो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये जो 15 दिनों का टाइम है जो आपको मिला है, इसको बहुत सही ढंग से उपयोग करना होगा और इसमें खास चीज का एक ही ध्यान देना होगा, वो है आपकी इंजरी। यदि आप इंजरी से बच गए तो समझिए आपका काम हो जाएगा। और तो इसलिए आप लोग इंजरी से बचेंगे, और लड़कियां भी खूब पसीना आज बहा रही है देख रहे हैं। तो हम बहुत पहले से भी मैं बोल रहा था, आज से 2-3 दिन पहले, विशाल 2 दिन पहले ही आप लोगों को मैं बोल दिया था कि आपका रिजल्ट जल्दी अभी कभी भी आपको ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि केवल सीआरपीएफ के साइट पे आपको ये जो जारी हुआ है, बहुत सारे भाई जब मैंने डाला रात में 10:30 बजे तो सारे बोले थे फेक है सर आप भी ये वो, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों को भी अब तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि 15 से ही फिजिकल होगा। तो मैं बोलूँगा एक रणनीति के साथ आप तैयारी करो, और दूसरा कि आपसे रणनीति नहीं बन पाती है तो आप हमारी वीडियो फॉलो करो। मैं आपको, आप नहीं टीम ज्वाइन कर सकते हो आप मध्यम वर्गीय परिवार से, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हमारी टीम ज्वाइन करो, लेकिन आप हमारे वीडियो के माध्यम से जो यहाँ पे वर्कआउट होता है उसके माध्यम से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये बहुत टफ है, ये जो जितना लंबा रनिंग आप कर सकते हो, जितनी अपनी स्टेमिना बढ़ा सकते हो, उतना आपको 5 किलोमीटर में फ़ायदा होने वाला है। देख रहे हैं लड़कियां भी यहाँ पर पसीना बहा रही है और भाई भी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप वर्कआउट देखेंगे, मैंने इससे पहले ही हालांकि दे दिया था वर्कआउट का कि कैसे तैयारी करना है, डाइट का वीडियो दिया था, कौन से जूते उपयोग करने होंगे, क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा, इन 15 दिनों में इंजरी से जो बच जाएगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है, ये जो आदमी लगे रह जाएगा ना उसका सिलेक्शन होना लगभग लगभग तय माना जाता है। क्या होता है कि उतना देर आदमी पेशेंस नहीं रख पाता, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, या शुरुआती समय में कोई आदमी कभी रिटेन के अलावा पढ़ाई के दरमियान में कभी फिजिकली एक्टिविटी से नहीं जुड़ा होता, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। ऊपर से ये टाइम कम दिया ना, तो ये टाइम को लेकर भी माइंड में भी बहुत निगेटिव थाट चलते होंगे, यार मेरे से नहीं। बहुत ऐसे भाई भी होंगे मैं जानता हूँ जो ग्राउंड भी नहीं जाएंगे और कहेंगे अब इतना कम समय में होगा क्या, वो कोशिश ही नहीं करेंगे। मैं कहूँगा कि आप कोशिश करिए, अंतिम समय तक करिए, लड़ते रहिए, और लड़ते रहिएगा, मैदान में उतरिएगा ना तो कभी भी हार नहीं मिलती, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। तो देख रहे हैं सारे भाइयों की तैयारी चल रही है, चाहे लड़का हो लड़की है। तो आपको अगला वीडियो जरूर दूंगा कि क्या, और अब आप देखवे करते हैं संस्था का वीडियो, नहीं देखे होंगे रनिंग वाला। खास बात हमारी टीम की कि आपके साथ मैं दौड़ता हूँ अपने बच्चों के साथ, आप भी जुड़िए, और रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लड़का हो लड़की सभी के लिए हॉस्टल अवेलेबल है और अपना हॉस्टल है एकेडमी का, तो इसलिए ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, यदि आप आते हो तो बस एक ही चीज़ सोचना है कि हमको यहाँ टिकना है, जो आदमी यहाँ टिकेगा वो जरूर दिखेगा, यानी कहने का मतलब जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ टिकना मुश्किल रहता है। टिक जाइएगा आप, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी लगातार सुबह से अभी इनकी घुमा देना, वर्कआउट लगातार चल रही है, तो धीरे धीरे करके कभी रनिंग हो रही है, कभी एक्सरसाइज, फिर रनिंग, फिर अभी जॉगिंग, लड़के टहल रहे हैं, तो यानी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बस आप हमसे जुड़े रहें और अपनी सफलता को जरूर पालेंगे, हमारी टीम का एक ये प्रयास है हमेशा से आपको आगे बढ़ाने की, और ये प्रयास हमेशा से सफल होते रहा है, बस आपका साथ चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।